हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज डे टू है हमारे ट्रैक का और दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं योगा के साथ, मेडिटेशन के साथ। आप देख सकते हो साथ में ये पहाड़ और ये पानी। तो फाइनली हम यहाँ से रुद्रप्रयाग से निकल रहे हैं और आज हमारा टारगेट डेस्टिनेशन है जोशीमठ। देख सकते हो हम सामान अपने बस में रख रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे 5 से 10 मिनट में। तो गाइस, फाइनली हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। आप देख सकते हो तो ये हमारे साथ हमारा पूरा ग्रुप। आपका नाम है बाटा भैया। And today is Independence Day, so Bharat Mata Ki Jai। आ रहा हूँ। और इस तरीके से हमारी बस जर्नी स्टार्ट हो गई है और अब साथ में आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी सुन सकते हो। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हमने आज की जर्नी स्टार्ट की है। हमें
यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, वादियां है, नदियां है, और हमारे ये सारे दोस्त लोग हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, फिर भी मजा आता है। तो थैंक यू फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड आई एम रियली रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फ्रॉम माय हार्ट। और मैं अपनी बैग में से आपको कुछ ड्राई फ्रूट किशमिश दे दूंगा। गाइस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है एंड यहाँ पर हमें आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए उत्तराखंड पुलिस ने रोका है। आप देख सकते हो सभी को आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी है। और गाइस ये हमारे बस का केबिन है, आप देख सकते हो। टाटा की 1510 मॉडल गाड़ी है 2014 की। आप देख सकते हो यहाँ पर हम ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चलाते हैं, 40-50 उसी पे चलते हैं। और जनरली अगर गाड़ी की बात करूँ तो मैक्सिमम जर्नी हम थर्ड गियर या ज़रूरत पड़ने पर सेकंड, फोर्थ तो बहुत ही रेयर केसेस में लगाते हैं। यार देखो लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर। आप ये सामने जो सुरंग देख रहे हो ये एक्चुअली रेलवे का सुरंग है। आप जानते हो वो यहाँ पर कर्णप्रयाग तक रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी के लिए ये पहाड़ खोद कर सुरंग बना रहे हैं। गाइज यहाँ पर हमने एक पिट स्टॉप लिया है छोटा सा 10 मिनट का, देख सकते हो व्यू। पीछे पहाड़ है एंड मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। ये आप व्यू देख सकते हो अलकनंदा की, और ये दूर में हमारी बस खड़ी है। काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ, और यहाँ पर अभी राइट नाउ अगस्त में ठंड नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि जोशीमठ में ठंड होगी। लेट्स गो एंड सी। और ये हम अपने बॉटल्स में पानी भर रहे हैं, इसे लोग कहते तो हैं ये नेचुरल वाटर है, तो जस्ट इसकी टेस्ट भी करके देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ रुककर ऐसे पानी भरा करते हैं, स्पेशली बस या ट्रक ड्राइवर्स। और ये पानी काफ़ी ठंडा है क्योंकि ये एकदम अंदर पहाड़ों से आ रहा है, इसलिए आप देखो ये Let's go.
और रफली हमने ये एक छोटा सा पिट स्टॉप अगेन लिया था यहाँ से जोशी मठ, जो बोर्ड लगा है दैट इज़ रफली अराउंड 45 किलोमीटर्स आप देख सकते हो, और हमारी बस स्टार्ट हो गई है और हम फिर यहाँ से निकल रहे हैं। गाइस फाइनली हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं और ये है हमारा होटल जहां पे हम रुकने वाले हैं। एक्चुअली यहां पे बहुत आपको 5-star 3-star होटल नहीं मिलेगी क्योंकि ये जगह वैसी नहीं है, तो इसके हिसाब से बहुत अच्छी होटल है ये। वी ऑल आर सेटलिंग डाउन हियर। और यहाँ से आप व्यू देखो तो बहुत शानदार है, पहाड़ माउंटेन्स। पहाड़ों में मेरा बसेरा है, गले में ये मफलर तेरा है, आके तू इसको आधा उड़ जा। फिलहाल हम आए हैं जोशी मठ में, शंकराचार्य के मठ में। आप ये देख सकते हैं ये हमारा पूरा ग्रुप आगे चल रहा है, मैं अभी पीछे हूँ। ये इसकी एक गेट है बट शायद हम आगे वाले गेट से एंटर करेंगे। आप देख सकते हो सभी को, सब थक गए हैं, ऑलमोस्ट 25 डिग्री की चढ़ाई है ये। ये यहाँ का अमर कल्प वृक्ष है, लोग बोलते हैं ये 2500 साल से यहाँ पर है। हम दो कैमरामैन देख सकते हो, ये यहाँ का हवन कुंड है। उधर चलिए, वो पुजारी जी बैठे हैं ना वहाँ पर। जिगर सर पुजारी जी जहाँ बैठे हैं वहाँ। और फाइनली हम अभी शंकराचार्य के मंदिर से निकल गए हैं, उनके मठ से, और अभी हम जा रहे हैं नरसिंह भगवान के मंदिर में। फाइनली हम नरसिंह मंदिर आ गए हैं। ये मंदिर की फर्स्ट व्यू आप देख सकते हो पहाड़ों के पीछे आगे रहेंगे तभी तक बद्रीनाथ जी के दर्शन बद्रीनाथ धाम में होंगे, तत्पश्चात भविष्य बद्री में भगवान श्री बद्रीनाथ जी विराजमान होंगे। पौराणिक काल में यह नगरी कार्तिकेयपुर नाम से जानी जाती थी, कत्यूरी वंश के शासक यहीं से गढ़वाल राज का शासन चलाते थे। यहां भगवान वासुदेव की 8 फीट ऊंची 24 अवतारों वाली प्रतिमा गांधार शैली के उत्कृष्ट दर्शन कराती है। और यह मंदिर के अंदर जाते हुए
हे गाइस, तो राइट नाउ हम अभी नरसिंह मंदिर के बैकयार्ड पर हैं और आप देख सकते हो ये व्यू बहुत शानदार है। और इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं, 6:30 नहीं और लगभग 6 बज रहे हैं और 6:30 बजे हम मंदिर में आरती होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको आरती दिखाता हूँ साथ में। तो गाइज अभी हम नरसिंह मंदिर से लौट रहे हैं, रास्ते में हैं और इस रोड पे कभी कभी गाड़ियाँ भी आ जाया करती हैं। और आप पीछे व्यू देख सकते हो, इट्स ऑलमोस्ट 6:30। तो गाइज आपने देखा, हमने डिनर कर लिया है, हम मंदिर से भी आ गए थे और इसके पहले एक्चुअली हम ये होटल की छत पर बैठे थे, वहाँ हमने शेयर ऑफ सर्कल बनाया था जहाँ पे हमने थोड़ी सी मेडिटेशन की एंड अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अभी तक के सब ने अपने हाई पॉइंट्स एंड लो पॉइंट्स शेयर किए। इट वाज अ वेरी गुड सेशन। वहाँ पे लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा डे 2 कम्प्लीट होता है। कल हम यहाँ से गोविंद घाट फिर घांघरिया की ओर जाएंगे, तो फाइनल ट्रैक जो हम करने वाले हैं वो कल से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट 3 डेज हमारी ट्रैक रहेगी। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।